नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। विषय है मनुस्मृति। तीसरा अध्याय चल रहा है। विवाह से संबंधित जो नियम है, जो विधान है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं 35वां श्लोक है, अदभिरेव दुजाग्राणाम कन्यादानम विशिष्यते। कन्यादान की विधि की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को कन्यादान करना है तो वर के हाथ में कन्या का हाथ रख के और ऊपर से जल का सिंचन किया जाता है और वो कन्यादान संपूर्ण हो जाता है। यहां और कुछ भी देने लेने का विधान नहीं है। यानी ब्राह्मण वर है और कन्यादान करना है तो उसके हाथ में कन्या का हाथ रखा और ऊपर से जल डाला, मंत्र बोला और कन्यादान पूर्ण हो गया। क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर किसी भी प्रकार की अन्य अभिलाषाएं नहीं हुआ करती हैं। इतरेषां तु वर्णानां इतरेतर काम्यया। लेकिन और वर्ण के जो लोग हैं उनके मन में जो कामनाएं हुआ करती हैं उन कामनाओं के अनुसार, क्योंकि कन्यादान के समय संकल्प बोला जाता है कि ये अमुक गोत्र वाला मैं और इस कुल की परंपरा में साखोचार वगैरह हुआ करता है, तो ब्राह्मण में तो जल ही हाथ में लेना है। लेकिन अन्य वर्ण में जो कामनाएं हों कि इतने दान के साथ, इतने दहेज के साथ, कि इतनी संपत्ति के साथ इस प्रकार से इसका दान किया जा रहा है, ये भी बोलने का विधान है। अन्य वर्ण में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि जो कामना हो, जो इच्छा हो, जो शर्त हो, वो रख के भी विवाह किए जाते हैं। यो यशेषाम विवाह नाम मनुना कथितो गुणा। अब ये तो महाराज भृगु ने जो कहा था वो अभी तक चल रहा था, लेकिन महाराज मनु ने जिन बातों को कहा है, चलिए हम उनको भी समझते हैं कि जब ब्राह्मण जो है ब्राह्म विवाह करता है तो 10 पूर्वान परान वंशान आत्मनम चैक विंशकम ब्राह्मी पुत्रः सुकृतस्कृन मोचयेद एन सह पितरू। भाई जब ब्राह्म विवाह किया जाता है तो उस समय की स्थिति ऐसी होती है कि वो बालक जो ब्राह्म विवाह से उत्पन्न होगा वो 21 पीढ़ियों को तारा करता है। 10 अपने पूर्व की पीढ़ी, 10 अपने बाद की पीढ़ियों को और स्वयं अपनी पीढ़ी को, ऐसे करके ब्राह्मी विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को तारने वाला बनता है। दैव विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वो 7-7 यानी 14 और एक अपनी 15वीं पीढ़ी को, 15 पीढ़ी को उतारने वाला होता है। आरसोढ़ाजा सुतस स्त्री स्त्रीन षट षट कायोड़जा सुता। इसी प्रकार से जो आर्ष या प्रजापत्य विवाह हैं, इनमें जब विवाह होता है तो उससे उत्पन्न संतान अपने साथ 7 पीढ़ी और अपने साथ 7 पीढ़ी ऊपर की और 7 नीचे की, वो 13 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। देखिए विवाहों का महत्व तो इसीलिए है। पुमनाम नरकात्रायतीति पुत्रागर है तो ब्राह्मी विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धारक होता है। दैव विवाह से उत्पन्न जो पुत्र है वो 15 पीढ़ियों का उद्धारक होता है और आरसोढ़ाजा जो होता है वो 13 पीढ़ियों का उद्धारक होता है। ब्रह्मादिश विवाहेशु चतुस्वे आनुपूर्वशा ब्रह्म वर्चस्विना पुत्रा जायन्ते शिष्ट सम्मता। अब महाराज मनु कहते हैं कि ब्राह्म दैव आर्ष और प्रजापत्य ये 4 विवाह ऐसे हैं कि इन विवाहों से उत्पन्न होने वाली संतान ब्रह्म वर्जस्विना पुत्राः जायन्ते शिष्ट सम्मता संस्कारी ब्रह्म वर्चस्व तेजस्वी, इस प्रकार की संतानें हुआ करती हैं। ये संतानें जो भी होंगी रूप सत्व गुणोपेता धनवंतो यशस्विना
पर्याप्त भोगा धर्मिष्ठा जीवंती च सतम समा। देखिए जब मैंने पहले कुछ वीडियो में ये बात कही थी कि जब उत्तम दो वंश का मिलन होता है, क्योंकि कहा जाता है कि बाप पे पूत नस्ल पे घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़न थोड़ा, ऐसे ही माता का वर्चस्व तो है ही है, लेकिन जब ये उत्तम विवाह, विवाह की उत्तम पद्धतियां, उत्तम लोगों का मिलन, तो इसके परिणाम जो आते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं कि रूपवान, सत्ववान, गुणवान, धनवान, यशस्वी, पर्याप्त भोग जिनको प्राप्त हों, जो धर्मनिष्ठ हों और 100 साल तक जिए, सतायु हों, ऐसी संतानों का जन्म तब होता है। ध्यान दीजिएगा, हम कई बार इस प्रकार की शिकायतें करते हैं कि घर में कुछ इस प्रकार की संतानों का जन्म हो जाता है, घर में कुछ जन्म लेने वाली संतान संस्कारहीन होती हैं, कई बार तो कुछ जो नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की परेशानी वाली भी संतानें होती हैं, क्योंकि हम विवाह में ध्यान नहीं रखते हैं। हमारे शास्त्र तो यही कह रहे हैं कि अगर उत्तम संयोग होगा स्त्री पुरुष का तो संतान भी उत्तम होगी। अगर संयोग में कहीं कुछ गड़बड़ है, दोनों की वंश में, कुल में, दोनों की पद्धति में, दोनों के संभोग में, अगर इन चीजों में कहीं कोई अंतर खड़ा हुआ है, तभी संतान निकृष्ट हो सकती है। पहले तो क्या था कि गर्भाधान जैसे संस्कार हुआ करते थे, षोडश संस्कार में गर्भाधान भी एक संस्कार था, जब बाकायदा स्त्री और पुरुष ये निर्णय लिया करते थे कि हाँ अब हम जो प्रयत्न करेंगे वो संतान के लिए करेंगे, और जब इस निर्णय के साथ दोनों का मिलन होता था तो उनमें एक उत्सव मनाया जाता था, और उत्सव के बाद का जो सुख है वो हमेशा ही एक श्रेष्ठ सुख होता है, और इसलिए वो संतानें भी श्रेष्ठ हुआ करती थी। इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि रूप सत्व गुणों पिता, इस प्रकार की संतान का जन्म तभी संभव है जब इस प्रकार के उत्तम विवाह हों। उत्तम विवाह में दोनों पात्र भी उत्तम होने चाहिए, दोनों कुल भी उत्तम होने चाहिए, दोनों वंश की परंपराएं भी उत्तम होनी चाहिए, और उसका विधि विधान भी उत्तम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि भले ब्राह्मण वर्ण का वर है और ब्राह्मण वर्ग की ही कन्या है, लेकिन दोनों के विवाह में कहीं लेन देन को लेकर के, कहीं किसी चीज को लेकर के और कोई ऐसी बात हुई है, फिर उनके जो संबंध बनते हैं उन संबंध में कहीं ना कहीं अंदर एक खटक जो वो रह जाए, वो उनके जीवन में उनकी संतान को उत्तम संस्कारों से वंचित कर सकती है। इसलिए बड़ा आवश्यक है कि विवाह की विधि भी उत्तम हो और विवाह में जो उनका संयोग हो रहा है वो लोग भी उत्तम हो। इतरेषु तुशिष्टेषु नृसंसा नृतवादिनः जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्म धर्म द्विषाः सुताः। अब ऊपर जो चार विवाह कहे, ब्राह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, इनकी बात तो कहती, इनकी संतान जो होती है रूप सत्व गुण से युक्त, धनवान, यशस्वी, पर्याप्त भोग करने वाली, धर्मनिष्ठ और सतायु हुआ करती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो विवाह की पद्धति है, उसमें चाहे वो गांधर्व विवाह हो, चाहे वो राक्षस विवाह हो, चाहे आसुर विवाह हो, चाहे पिशाच विवाह हो, इन चार विवाहों से जो संतान हुआ करती है उसके लिए इस चीज का विधान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक सम्मति कब नहीं होगी, अरेंज मैरिज कब नहीं होगा, जब या तो आपका वर्ण बिगड़ जाएगा या आपकी कोई अन्य बातें इस प्रकार की होंगी, तो परिवार का को अगर संयोग और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो संतान होने के बाद भी आप उसके लालन पालन के लिए जो आवश्यक हैं उन सब चीजों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और नहीं करेंगे तो संतान दीर्घायु हो, सतायु हो, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, रूप सत्व इन सबसे युक्त हो, ये थोड़ा सा कठिन है। तो बाकी के जो चार प्रकार के विवाह हैं, इनसे उत्पन्न होने वाली संतान नृशंस, झूठ बोलने वाली,
ब्रह्म धर्म का द्वेष करने वाली इस प्रकार की संतान हुआ करती है। अब आप कहें कि गांधर्व विवाह है, वहां तो दोनों लोगों का जो मिलन है वो बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। भाई दुष्यंत और शकुंतला के मिलन से महाराज भरत जैसी संतान का जन्म हुआ जो हर तरीके से संस्कारी थे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गांधर्व विवाह के द्वारा किसी इस प्रकार की बालक का जन्म होगा, जबकि हमारे प्रमाण तो ये कहते हैं। भैया उन प्रमाणों के पीछे भी जाइए, स्वयं महाराज दुष्यंत ये कहते हैं, कर्ण ऋषि जो ब्राह्मण है उनकी कन्या को देख करके मेरे मन में अगर इसके प्रति मोह पैदा हो रहा है, इसके प्रति अगर प्रेम जागृत हो रहा है, तो असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्य अस्यामभिलाषी मे मना। भाई निश्चित तौर पे क्षत्रिय से विवाह करने योग्य कन्या होगी तो ही मेरा मन इसके प्रति आकर्षित हो सकता है, क्योंकि सताम ही संदेह पदेशु वस्तुसु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्या। क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं उनके हृदय सबसे बड़े प्रमाण होते हैं, जो भी कार्य वो करना चाह रहे हैं वो कार्य योग्य है या अयोग्य है। तो अगर आप इतने योग्य हैं, अगर आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है, अगर आप इतने धर्मनिष्ठ हैं, तो फिर आपका जो विवाह होगा वो योग्य ही होगा। फिर वो गांधर्व विवाह भी जो है ना, वो बिल्कुल अरेंज मैरिज से कम नहीं है, वो लव मैरिज आपका। यानी अगर आप सब चीजों का ख्याल रख लेते हैं, वर्ण का ख्याल करते हैं, स्त्री रत्न का ख्याल रखते हैं या पुरुष रत्न का ख्याल करते हैं, वर्ण का भी ख्याल रखते हैं और दो कुल की दो परिवारों की परंपरा का ख्याल रखते हैं, तो ऐसा गंधर्व विवाह जो है वो विवाह भी उत्तम संतानों को देने वाला हो सकता है। मान लीजिए कि विवाह तो राक्षस हुआ, लेकिन राक्षस विवाह के बाद अगर कन्या संपूर्ण रूप से वर का वरण कर लेती है, उसको प्रेम करने लग जाती है, उसके मन में कोई इस प्रकार की भावनाएं नहीं होती हैं, तो जो संतान होगी वो उत्तम संतान होगी। आसुर विवाह की भी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कन्या नहीं मिल रही है, आप खरीद के किसी स्त्री को ले आए, लेकिन उसको बाकायदा नियमानुसार अपनी धर्मपत्नी आपने बनाया, उसको सारा सुख चैन शांति और जो कुछ भी स्त्री को मिलना चाहिए वो सारे गुणधर्म उसको प्रदान किए हैं आपने, तो वो उत्तम संतान को जन्म अवश्य दे सकती है। यहां जब ये कहते हैं कि इतुरेसु च शिष्टेसु, तो वहां बात ही वो है कि अगर हमने लव मैरिज किया, घर परिवार से छुप छुप के किया, सबसे छुप छुप के किया और किसी को बताया नहीं, और उसके बीच में उसी डर के बीच में और कहीं हमारे संबंध से एक संतान उत्पन्न हो गई, तो आपने हमेशा झूठ बोला है, और उस झूठ के बाद जो संतान उत्पन्न होगी भैया, या तो कचरे के डब्बे में फेंक दी जाती है, और या फिर वो वही उसी प्रकार के स्वभाव वाली होती है जिस स्वभाव के तहत, देखिए महाभारत इसका प्रमाण देता है। धृतराष्ट्र जो हैं वो अंधे पैदा हुए क्योंकि उनकी माता ने अपनी आंखें बंद कर ली थी संभोग के समय पे। पांडु रोग से पीड़ित हुए क्योंकि उनकी माता ने आंखें तो बंद नहीं की लेकिन भय की वजह से वो पीली पड़ गई। तो आप इन चीज को समझिए कि संभोग के समय जिस प्रकार के विचार व्यवहार, अगर आप दोनों का मिलन तो हो रहा है लेकिन उस मिलन में कोई भय है, कोई आतंक है, कोई परेशानी है, तो फिर वो भय से युक्त समागम जब किसी संतान को जन्म देगा तो वो नृशंस होगी, झूठ बोलने वाली होगी, ब्रह्म धर्म का द्वेष करने वाली होगी, ये स्वाभाविक है। उसी बात को यहां कहा गया है, अनिंदित ही स्त्री विवाहेर अनिंद्या भवती प्रजा। जब स्त्री उत्तम हो, विवाह की पद्धति उत्तम हो, तो संतान भी उत्तम हुआ करती है। जो मैंने आपसे कहा कि भले आपने गांधर्व विवाह किया, भले आपने राक्षस विवाह किया, भले आपने आसुर विवाह किया, लेकिन अगर आपने उस स्त्री को अनिंदित बना दिया है, यानी समाज में कोई उसकी निंदा नहीं करता है, समाज में उसको आपने वो स्थान प्रदान करवा दिया है कि भाई ठीक है,
हम कहीं से भी लेके आए, लेकिन ये मेरी पत्नी है और इसको सारे पत्नी के अधिकार हमने दिए हुए हैं। समाज के बीच में आप उसको पत्नी के रूप में स्थापित करते हैं तो उससे प्राप्त संतान जो होती है वो अवश्य ही अनिंद्य होती है, प्रशंसनीय होती है, उसकी कोई निंदा नहीं किया करता है। लेकिन ऐसे ही अगर कोई संतान उत्पन्न हो जाती है तो आप जानते हैं कि लोग उसकी निंदा किया करते हैं। निंदित ही निंदिता नृणाम, निंदित पद्धति से उत्पन्न संतान इस संसार में निंदा की पात्र बना करती है। तस्मान अनिंद्या विवर्जयेत, इसलिए निंदा जिसमें खड़ी हो उस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए। मैं ये कौन है, नहीं ये तो उसकी पत्नी नहीं है, नहीं ये कौन है, नहीं इसको तो पत्नी का अधिकार नहीं है, इस प्रकार की बातें अगर समाज में होती हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उनसे उत्पन्न संतान जो है ना उसके अंदर भी वो विश्वास नहीं आया करता है। तो सबसे पहला विश्वास तो पति पत्नी का स्वयं का होना चाहिए, उसके बाद समाज में उसकी स्थापना होनी चाहिए, और जब समाज में इस चीज की स्थापना होती है तो अवश्य ही उसमें से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, तो निंदक संतान नहीं होती है। आगे कहते हैं कि पाणि ग्रहण संस्कारा सवर्णा सुपदिश्यते, असवर्णा स्वयं गेयो विधि उद्वाह कर्मणि। अगर सवर्ण कन्या के साथ पाणि ग्रहण संस्कार हो रहा है तो उसकी विधि जो शास्त्रों में उल्लिखित है उसी प्रकार से किया जाएगा, सारे विधि विधान सारे क्रियाकलाप सब कुछ उसी प्रकार से होंगे। लेकिन जब असवर्ण कन्या के साथ विवाह होगा तो मान लीजिए क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह किया जा रहा है तो वो पाणि ग्रहण संस्कार नहीं होगा, हाथ में हाथ लेकर के वो विवाह नहीं होगा। वहां ब्राह्मण अगर वर है और कन्या क्षत्रिय है तो सिर्फ एक बाण होगा जिसका एक सिरा वो वर पकड़ेगा और दूसरा सिरा उसका कन्या पकड़ेगी। अगर वैश्य कन्या के साथ विवाह हो रहा है तो एक डंडा हाथ में लिया जाएगा जिससे गाय वगैरह को हांका जाता है, और ऐसे किसी दंड को एक तरफ से वो वर पकड़ेगा एक तरफ से कन्या पकड़ेगी, तब उनका विवाह होगा। और अगर किसी शूद्र कन्या के साथ विवाह किया जा रहा है तो वसनस्य दशाग्राह्या, तो जो आपका वस्त्र है उसका एक छोर वो पकड़ेगी और इसी से विवाह हो जाएगा। अब देखिए हमारे ग्रंथि बंधन भी होता है और ग्रंथि बंधन के बाद बाकायदा कन्या का पिता उसका हाथ वर के हाथ में रखता है, कन्या का हाथ, और इसको पाणि ग्रहण संस्कार इसीलिए कहा जाता है। लेकिन यही अगर किसी अन्य के साथ विवाह हो रहा है तो ये पाणि ग्रहण वाली प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से तरह तरह से ये जो विवाह की पद्धतियां हैं उनको कहा है। सबसे श्रेष्ठ बात तो यही है कि उत्तम कुल के आप हैं तो किसी उत्तम कुल की कन्या का वरण कीजिए, हर तरीके की उत्तमता जिसमें समाहित होगी वहां सब कुछ उत्तम होगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। पुनः पुनः आपका धन्यवाद।